हाँ भाई, अपना क्या हुआ, तुम फोन कर रहे थे 3 दिन से। मैं फोन इसके लिए कर रहा था, थोड़ा सा ऐसा मतलब मेरे 2-3 दोस्त थे ना, उनके जरा पेपर लिए थे अकाउंट खोलने के लिए। ओके। प्रताप कोऑपरेटिव में मेरा अकाउंट है ना। हाँ। तो उसमें खोलने के लिए अकाउंट लिए थे। संजय सिंह सर है उधर, प्रताप कोऑपरेटिव। प्रताप कोऑपरेटिव, प्रताप कोऑपरेटिव एक जगह थोड़ी भुवनेश्वर में है ना। हाँ। तो उधर लिए दिया था। अभी 2-2.5 साल हो गया करीब। 2-2.5 साल से क्या दिए थे आपने? पेपर दिए थे। पेपर काई के? अकाउंट खोलने के लिए पेपर। अच्छा, मतलब सेविंग। दूसरे का मेरा, मेरे को नहीं मालूम, उसने बोला था मेरे को अकाउंट खोलने क्या पेपर चाहिए, तो संजय सर ने बताया था इतना इतना पेपर के पास भेज दो, तो भेज दिया था मेरे पास दिया था। किसी के डॉक्यूमेंट तुमने दे दिए? हाँ। वाह। मैंने उन्होंने बताया था ना उनको। अच्छा, उन्होंने बताया था, बात हुई थी फोन पे, तो उनको पेपर चीज के लिए अकाउंट खोलने के लिए। अकाउंट खोलने के लिए बोले तो अकाउंट तुम्हारा खोलना है, उसका डॉक्यूमेंट लिए तो उसका तुम्हारे पास पूरा। नहीं, मेरा तो खुला हुआ था, डेबिट कार्ड वगैरह सब तो होगा। हाँ, है ना डेबिट कार्ड है ना। हाँ, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मेरा अकाउंट खुला हुआ था, उनका अकाउंट खोलने के लिए पेपर दिए थे। अच्छा। पर अकाउंट खुला नहीं है ऐसा संजय सर बोले। अच्छा। और डॉक्यूमेंट भी वापस नहीं दिए, तो क्या करना चाहिए? सामने वाले तो मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं जिसका डॉक्यूमेंट था। अरे तो तुमने ऐसा कैसे डॉक्यूमेंट दे दिया और सामने वाले ने तुम्हारे को दिया कैसा? साइन वो करेंगा नहीं, आएंगा नहीं बैंक में। सर भरोसे का था ना, वो बोला अपन फॉर्मेलिटीज कर लेते साइन करने। अच्छा, सेविंग अकाउंट निकालना था, करंट अकाउंट? अभी उन्हें मालूम, उन्होंने क्या बात किया था, उन्होंने वही सबसे पेपर दिए थे उनका। अच्छा, तो तुम्हारे अकाउंट कौन से है बैंक में? मेरा करंट भी है, सेविंग भी। सेविंग भी है, करंट भी है। तो तुम्हारा सेविंग अकाउंट है बराबर, तो ऐसा उनका भी सेविंग खोलने का था, तो करंट कहाँ से खोला तुमने? नहीं, करंट नहीं खोला मैंने, मेरा करंट खोला है, उनका कहाँ खोला अकाउंट? अच्छा, उनका नहीं खोला है ऐसा संजय सर बोल रहा है, मेरे को नहीं आना। सामने वाला तुम पेपर मांग रहा है, संजय सर पेपर नहीं दे रहे। अच्छा, तो तुम्हारा करंट अकाउंट कहाँ है तुम्हारे पास? है प्रताप बैंक में है ना मेरा, प्रताप बैंक में। मेरे गाड़ी में स्टेटमेंट भी पड़ा है, अभी 2-4 महीने पहले स्टेटमेंट लिया गाड़ी में पड़ा है। तो तुम कुछ फोन पर बोल रहे थे क्या, बोले उसमें कुछ टर्न ओवर करते, क्या मसला क्या है वो एक्चुअली? नहीं नहीं, वो तो पूरा पूरा क्लियर बताओ तो मैं तुम्हारे को इसका उपाय दे सकूंगा। उन्होंने मेरे अकाउंट में ना विड्रॉ वगैरह किया हुआ है। उन्होंने विड्रॉ किया तुम्हारे अकाउंट में? हाँ। मेरे को बोले चेक चेक समझानी में, बोले मेरे को है ना 2-5 हज़ार रुपये निकलना है, किसी का ट्रांसफर आ रहा है, मेरा पेमेंट अकाउंट है, इसके लिए मैं मेरे में नहीं ले सकता हूँ, तो मेरे को एक चेक दे दे। अच्छा, तो तुम्हारा बैंक का स्टेटमेंट लाने बोला था, तुम लाए हो? हाँ, बैंक स्टेटमेंट तो लाया ना। हाँ, तो दो ना, बताओ तो। बताओ, बैंक स्टेटमेंट लाया चारों अकाउंट का? अरे ये तो 5-5 लाख, 10-10 लाख, 15-15 लाख, 18 लाख, एक पेपर में 18 लाख का ट्रांजेक्शन बता रहे हैं। क्या है क्या ये, मतलब ये कुछ कालाकंडी कर रहे हैं? ये तुमने कर रहे है? नहीं नहीं, मेरा तो 2000 का व्यापार है, कितने दिन से तो बंद है काम। वो मेरे को जो तुम्हारे को मेरा नंबर दिया ना, उन्होंने मेरे को बोला, बोले बहुत मुसीबत में इसे भी चल रहा है वो बंदा। हाँ, उनको बताया था ना मैंने, वो बोले तो इतना लाख का ट्रांजेक्शन तुम्हारा चल रहा है, तुम्हारे नाम से तुम चलवा रहे हो, तो तुम्हारे को मालूम है इसका क्या इफेक्ट है? केमी लाइन का किसका, मेरा केमी लाइन से कोई संबंध भी नहीं। जो ऊपर लिखा हुआ है वो किसका? ये तो अकाउंट मेरा है, मेरी वाइफ का है। वाइफ का अकाउंट है? इसका डॉक्यूमेंट किसने दिया उनको? डॉक्यूमेंट मेरी वाइफ आई थी ना अकाउंट खोलने। तो सेविंग अकाउंट खोले या करंट खोले? सेविंग और करंट दोनों है। करंट दोनों है, करंट के डॉक्यूमेंट तुम उनको दिखे रखे हो? नहीं, डॉक्यूमेंट थोड़ी दिया था। तो ट्रांजेक्शन इतना बड़ा कैसा हो रहा है? नहीं, मेरे को 5 हज़ार का निकलना है, महावीर वाला कौन है वो भी नहीं जानता है, ये जो जिसने पैसा डाला है। अरे भाई, तुम्हारे रास्ते लग जाएंगे, ईडी का रेट पड़ेगा ना कोई, तुम क्या ये कितने का ट्रांजेक्शन है वो तो देखो। ये तो 20-20 लाख उठवा दिए। कितने में तुम्हारे को ये मालूम है? ये कितना, ये तो एक ही पेज देखा, ऐसे कितने पेज है? ये क्या करना पड़ेगा? ये कितना, मतलब एक साल का कुछ ट्रांजेक्शन का तुम्हारा कुछ बात बात किया है? अरे 18 लाख 13 हज़ार रुपये, बाप रे भाई, ये सब चीज़ में रस्ते लग जाएंगे तुम लोग की फैमिली के, जिंदगी भर तुम चक्कर ही काटते रहोगे CBI और ED के। 10 लाख 10 लाख 5 लाख,
20 60 लाख, ये तो मतलब ये हो गया, ये तो 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन साल भर का होता है, कितना करोड़ का कर रहे हैं? नहीं अभी ये 2 साल से कर रहे थे, मेरे को बोले थे निकालना है थोड़ा सा पैसा। तो टोटल कितने अकाउंट ये हो सब मिला ये 5-6-7 अकाउंट हो? 7 अकाउंट, क्या क्या नाम से है? ये केमी लाइन है, महावीर है, ओसवाल ट्रेडर्स है, और बताया नहीं मेरे को। तुम्हारा कौन सा है इसमें से? ये चारों तो मेरे ही है। चारों पेपर तुम्हारे है, उसका नाम क्या कंपनी का जो नाम से इन्होंने अकाउंट खोला? तुम्हारे को ये मालूम है तुम रस्ते पे ठेला लगाते हो, इतना करोड़ों का अगर तुम्हारे नाम से ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक रेट पड़ेगा ना तो तुम्हारी जिंदगी जेल में कटेंगे। अरे भाई मैंने तो ऐसा कुछ किया, मैंने 1 रुपये भी नहीं लिया। वो तो मेरे को भी मालूम है, तुम्हारी हैसियत क्या अपने को समझ में आता है देख के भी? महावीर वाला कौन है ये भी नहीं मालूम, महावीर वाला कौन है ना जो पैसा डाला अकाउंट में वो भी नहीं मालूम क्यों डाला भी नहीं। अच्छा ये बात सुनो, ये सब चीज में ये बैंक का कौन है अपना संजय भाई तुम्हारा पहचान है या और भी है कोई? नहीं बाकी है ना है, उधर बैठा भरत है, भरत करके उसी ने मेरा अकाउंट खोला था, एक बार लोन भी निकाला था मैंने 20,000 रुपये। अरे तो मेरे भाई तुम्हारा इतना ट्रांजेक्शन बता के भरत को 2,000 सुनो लोन निकाल के देने। अच्छा पर मेरा 20,000 रुपये में 2,000 रुपये दूंगा? अरे तो भाई ये ठगी कर रहे हैं इन लोग गवर्नमेंट के साथ तो चुना लगा करके भी है ना धीरज करके धीरज वार्ड। अरे लेकिन मेरे भाई ये तुम्हारे को ये मालूम है तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम्हारी औरत को भी लेके जाएंगे तुम तुम्हारे चक्कर में और दूसरे को भी लेके जाएंगे। अभी क्या करना पड़ेगा, सलाह तो दो अभी, ये तो अभी चलो हो गए, मेरे को बता के थोड़ी किया है यार, मेरे को बता के थोड़ी दिया किया है। अरे मेरे भाई नाम किसका है? महावीर वाले को मैं जानता भी नहीं। नाम किसका है? नाम तो मेरा है, अकाउंट तो मेरा है। तुम्हारी वाइफ का है? हाँ वाइफ का भी। क्या नाम है? श्रद्धा। में पढ़ा अभी बराबर, अब तुम ऐसे में तो तुम्हारे तो जनाजे निकल जाएंगे, तुम्हारे को मालूम है। अभी क्या करना पड़ेगा उसको? तो कुछ भी नहीं, रुको मैं कुछ मेरे हिसाब से देखते हैं। ये तो समझ लो ना भाई, अगर 1 करोड़ रुपए का 1 साल TDS उसके बाद ही लगता है करंट अकाउंट में, TDS रहता है एक, फिर उसके बाद से वो टैक्स लगता है। ये तो ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं तुम लोग के अकाउंट में। मेरे को टोटल अकाउंट कितने दिए हो तुमने उसकी डिटेल मेरे को दो, बता सकते हो? तो नहीं बता, मेरे को खुद को नहीं दे रहे ना, पेपर वापस दे रहे। तो ऐसे टोटल तो हैरिसमेंट में, सामने वाला भी हैरिस कर रहा है मुझे। अरे तो मेरे भाई जिस दिन गवर्नमेंट का छापा पड़ा उस दिन बैंक वाला बोले यार मेरे को नहीं मालूम, तो क्या क्या उखाड़ लूंगा उसका? पैसा तो मेरे निकला ही नहीं, मैं बैंक में भी नहीं हूँ कभी। अरे मेरे भाई तो 3 महीने के ऊपर रिकॉर्ड रखते नहीं है लोग बैंक वाले, उसके बाद क्या करूँगा आप? बैंक वाले तो अपन क्या करते हैं, क्या मालूम। अरे तो ऐसा किसी को अपना डॉक्यूमेंट दिया जाता है क्या भाई? अच्छा ठीक है, आप बोलोगे रिकॉर्ड नहीं 3 महीने का, लेकिन महावीर वाले का मेरा क्या संबंध है जिसने मेरे को पैसा दिया है? अच्छा हाँ बराबर, उसने क्यों दिया उसके बाद क्यों? ये सब इंक्वायरी बाद में बैठती है, पहला तो तुम जेल जाओगे, ED का छापा तुम्हारे घर पर पड़ेगा या इनकम टैक्स वाले का पड़ गया तो फिर क्या करो? तुम्हारे पैन कार्ड पर ये यूज हो रहा है मालूम है तुम्हारे को? कौन सा कंपनी है तुम्हारे नाम पे और तुम्हारे वाइफ के नाम बताओ? शरवन फ्रूट्स और श्री फ्रूट्स। तो भाई तुम्हारा फ्रूट का धंधा हमको भी मालूम है, ये चीज़ मैं भी तुम्हारे यहाँ से लिया हूँ बुलेश्वर से, लेकिन वो रास्ता है तुम्हारा रस्ते का धंधा है, तो इसने तो तुम्हारे को जो पति बताया लिया मतलब बड़ा डीलर हो गया मतलब ये तो बड़ा डील का काम है, 2-5 हज़ार का व्यापार अपना है। अरे तो इतने करोड़ों का टर्न ओवर हो गया भाई, ये क्या होता है मालूम? मैं तुमको बताता हूँ, ऐसे इसके मैंने भी जो देखे हुए हैं, 1 करोड़ रुपये तो लगे ना भाई साल भर के अपना टर्न ओवर पे, TDS नहीं लगता। ब्लैक मनी जो आता है ना, जैसे कोई की ट्रस्ट हो गई या कोई हो गया, ट्रस्ट वाले हो गए, NGO वाले हो गए, या समझ लो हवाले वाले हो गए, ये सब उन लोग का पैसा आता है बैंक में, बैंक से इन लोग निकाले, वो बोलेगा तुम्हारे से ये बिल दिया, फिर कल उठ गए तुम्हारे पैसे से जो ट्रांजेक्शन दिखा गया, अगर 10 करोड़ की लोन ले लिया तो पा हो गया, ये पंजाब नेशनल बैंक नहीं सुने हो? हाँ हाँ बंद हो गए। सुने हो ना उसमें अकाउंट था? नहीं था। कितों के थे और कितने परेशान हो गए, कितने मर गए वो देखे? करा 2-4 जन ने मरे सब ना, बराबर आम नागरिक मर गया, तो ये तो तुम भी चीटिंग में आ रहे हो ना फ्रॉड के। तो तुम्हारी वाइफ पहला उन लोग पे, फिर तुम उन लोग का स्टेटमेंट दोगे, और वो हाथ खड़े कर दिए तो क्या उखड़ोगे तुम? क्या करना पड़ेगा क्या इसमें
रुको मैं देखता हूँ, मैं मेरे हिसाब से बात करता हूँ किसी से। मैं ज़रा ऊपर अपना जो इधर मंत्रालय पे है एक आधा उसके थ्रू बात करता हूँ और मैं देखता हूँ आगे। तो आपका स्टेटमेंट का कॉपी मेरे को देके जा सकते हो आप? हाँ ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नहीं क्या प्रॉब्लम, लीगल अकाउंट अपना ट्रांसफर किया हुआ ट्रांजेक्शन उन लोगों ने मैंने कुछ नहीं, मैंने 50,000 रुपये अपना साल भर में, साल भर में उन लोग ने तो मार दिए साल भर पास किए होंगे। कितना टाइम होगा अकाउंट खोल के? 2.5 साल 3 साल हो गए। 2.5 साल से? 2.5 3 साल हो गए। 3 साल, 3 साल में मतलब 3 करोड़ का टर्नओवर हो गया तुम्हारे को ये मालूम है? 3 करोड़ पे कितना इन लोग ने वो टैक्स चोरी किया ये मालूम है तुम्हारे को? अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का छापा पड़ गया। रुको मैं पूरा स्टडी करता हूँ ये क्या है क्या नहीं। मेरे को खाली तुम व्हाट्सअप करो उन लोग सबके नाम और नंबर हो तो, ठीक है? क्या बोल रहा हूँ, मेरे को खाली ये सब चीज़ डिटेल आप व्हाट्सअप कर दो। या समझ लो कितना 26 तारीख है बराबर। मैं इंशाल्लाह देखो देखता हूँ, मैं वो आगे बात करता हूँ। अभी ये लोग ने पूरा महीना तीसरे महीने तक क्या ट्रांजेक्शन किया है ये डिटेल चले तुम अगर निकाल सकते हो, या तो मैं देखो बात करके देखता हूँ किसी से, कोई अगर मिल जाता है तो अपने वाला। लेकिन भाई ये जो चल रहा है ना ये रुकाना चाहिए तुम्हारे को, नहीं तो तुम्हारे रास्ते लग जाएंगे। 3 साल में 3 करोड़ का तुम्हारे अकाउंट में, 3 करोड़ तुम्हारी औरत के अकाउंट, ऐसे तुमने 7 अकाउंट दिए बराबर। 7 अकाउंट के डॉक्यूमेंट किसके भरोसे दिए थे दोस्तों ने तुम्हारे? मेरे भरोसे। तो फ्रॉड तो तुम ही हो, कानूनन गुनहगार तुम। अभी क्या करना, देखते कुछ तो रास्ता निकालते इसका। तुम मेरे को 2-3 तारीख तक टाइम दो, मैं कुछ तो देखो जुगाड़ लगा दो या कुछ, मैं देखता है। लेकिन ऐसा कभी आज करे भाई, आज का करना नहीं तो कुछ भी नहीं, अपन खुद ही कानून को इन्फॉर्मेशन दे देने का कि ऐसा ऐसा है। बल्कि गवर्नमेंट रिजर्व बैंक से अपने को दो अपना 3 पैसे मतलब 3% जो भी अपने को रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, ये तो मैं ऐसा कर लेंगा, ठीक है? और मैं खुद तुम्हारे को सामने विटनेस बना के अगर खड़ा रखूँ तो चलेगा ना? चलेगा, फंसूंगा तो नहीं ना मैं, क्योंकि मैंने तो कुछ किया नहीं है। अरे मेरे भाई, लेकिन सब कुछ तुम्हारे नाम से, तुम्हारे दोस्त लोग किसको जानते जिसके नाम पे अकाउंट खुले ले? और अरे बरोबर है, पर मैंने तो कुछ किया नहीं है समझे? तुम जानते हो, मैं जानता हूँ, चलो ना, मैंने मान लिया, कानून मानेगा क्या? सर इससे कुछ रास्ता निकालो, मैं करता हूँ मेरे हिसाब से, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, ठीक है भाई? ठीक है, मिलू श्रीकांत भाई। हाँ चले। मैं बोला यार, मेरे को भाई भी बोले थे कि अपना कुछ प्रॉब्लम है यार, उनको गरीब आदमी अपना, तो जाते हैं उसके पास। मेरे को आप व्हाट्सअप करो उन लोग के नंबर और डिटेल, अगर फोटोज वगैरह भी हो तो मेरे साथ शेयर करो, ठीक है सर? तो कभी इन फ्यूचर कैसे आप उन खुद ही कानून को विटनेस बन जाने का ना पहले से ही, कि ये सब का झंझड़ी नहीं आवे, कल उठ के अल्लाह ना करे अपने भी आवे, उससे पहले आप उन विटनेस बन गए कानून के, ठीक है? चलो।